नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्म परिवर्तन कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन कराया, जिस पर बीजेपी नेता विक्रम सैनी का कहना है कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से संपर्क किया जा रहा है और जिस पादरी ने इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस धर्म से प्रभावित होकर ये धर्म अपनाया है। वहीं पादरी का दावा है कि यहाँ भगवान यीशु के दरबार में आने से लोगों पर भूत प्रेत का साया सब खत्म हो जाता है और वो अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्ति पा लेते हैं। बेटियां तो ठीक नहीं, मां के लिए दुआ करिए, उनके अंदर से बवाल निकले, जो ऊपरी सदा होते हैं उनके अंदर से निकले और वो परेशान, उनकी बेटियां परेशान। ठीक है जी, तो ये सब इतवार में आएंगे। आप देखो, सुनो, इनसे तो पूछो, मेरे से ना पूछो, आप सच्चाई बाहर पूछो जाकर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही चचेरी बहन का सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसकी वीडियो बनाई। बताया जा रहा है कि जब युवती अपने घर पर अकेली थी तभी उसके चचेरे भाई ने उसे घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वो इस वीडियो को सार्वजनिक कर देंगे। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना मंसूरपुर अंतर्गत एक गांव पुरवानिया में इसमें मामला सामने आया है। लड़की पीड़िता ने शिकायत की, नाबालिग, उसके पिता ने शिकायत की है कि उसके दूर के भाई रिश्ते के भाई उसके घर के बराबर में रहता और ये बच्ची जो है वहाँ पर पानी लेने के लिए गई थी, जैसा कि उसने बताया। और उस पानी लेने के दौरान उसका चचेरा भाई और उसके दोस्त दो वहाँ पर थे, जिनके द्वारा उसने बहन पर शिकायत की है और ये शिकायत की है कि उसकी वीडियो फिल्म का लोगों ने बनाई। क्या कार्रवाई की इसमें? IPC और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। वहीं यूपी में शहर से लेकर गांव तक सभी जगह लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी योगाभ्यास किया। वहीं हरियाणा के रोहतक में अम्बाला से भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया राजीव गांधी खेल स्टेडियम में हुए समारोह में शामिल हुए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद NH 91 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। गाजियाबाद से बाइक पर सवार होकर अपने पति के साथ जा रही महिला और उसके मासूम बच्चे को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे मासूम और महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा पति इस हादसे में घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने हाईवे पुलिस को अलर्ट कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल थी तो डिवाइडर से टकराई, उसके पीछे से कोई गाड़ी आई क्या, तो कितनी कैजुअल्टी हुई है? 2 हैं, एक बच्चा है, महिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और बातों बातों में उन्हें पागल करार देते हुए मानसिक चिकित्सालय में दिखाने की बात कही। तो दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई अगर ऐसा कह रहा है तो उसे मानसिक चिकित्सालय जाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।